हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज हम बनाने जा रहे हैं कुर्ते का एक बहुत ही सुंदर डिज़ाइन, जो बिल्कुल सिंपल होगा, पाइपिंग के साथ बनेगा। और कुर्ता जो सिंपल सा बिल्कुल कपड़ा है ये, उसको हम एक अट्रैक्टिव लुक दे देंगे। तो इसके लिए हमने कपड़े की कटिंग कर ली है। ये कुर्ता मेरा सिंपल कटिंग हो चुका है, तो जो सिंपल कटिंग है कुर्ते की, वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। वहाँ से आप वीडियो चेक कर सकते हैं। वो वीडियो आप वहाँ से देख लीजिए कि इसकी कटिंग मैंने कैसे की है। तो चलिए आगे डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने गोल गला ये कट किया हुआ है। इस गले की चौड़ाई 2.5 इंच लगाई है हमने, और डीपनेस गले की 7 इंच लगाई है। 2.5 इंच चौड़ा है और डीप हमारा 7 इंच है। तो ये गला हमने काट लिया है। अब हम इसे कपड़े के ऊपर अटैच करेंगे। और जो ये वाली पट्टी है हमारी, ये हमने 1 इंच की ली है। ये हमने बराबर लेनी है पूरे गले में, कम या ज़्यादा ना हो, क्योंकि यहाँ पे अब हमने ये पट्टी दिखानी है। अब गले को कपड़े के ऊपर अटैच कर लेते हैं। यहाँ पे हमने कपड़ा रखा है नीचे और गला ऊपर रख लिया है। और यहाँ के अंदर का जो डिस्टेंस है, वो 5.5 इंच ले लेंगे, क्योंकि 2.5 इंच हमने गले की चौड़ाई लगाई है। और इसे साइड से 1/2 इंच कट करके इसे कपड़े को ऊपर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। देखिए, हमने गला जोड़ लिया है। अब जो ये कपड़ा हमने फोल्ड करना है, ये बहुत फिनिशिंग से फोल्ड करना है, क्योंकि जो ये वाली साइड है, ये हमारी सीधी है। इस साइड को हमने सीधा करना है, तो इसलिए हम इसे यहाँ पे फोल्ड कर लेंगे और बड़ी अच्छी तरह फोल्ड करेंगे फिनिशिंग दे। अब जो भी सिलाई आप लगा रहे हो इस टाइम, वो आप थोड़ा मोटे टांके से लगाएं, क्योंकि बाद में हम इसे खोल देंगे और जो फिनिशिंग वाली सिलाई है, वो बाद में लगेगी। अभी इसे हमने इस तरह अच्छी तरह फोल्ड कर लेना है। ये फोल्ड हो चुका है। अब हम इसकी आउटलाइन पे ये पाइपिंग लगा लेंगे। पाइपिंग बनाने का लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। जो गले में पाइपिंग लगती है, वो और पट्टी की है, और जो हम स्ट्रेट पाइपिंग का यूज़ करेंगे, वो हमारी सीधी पट्टी की है। तो ये मैंने और पट्टी की बनाई हुई है। अब हम इसे यहाँ पर अटैच कर लेते हैं। अभी आप देख सकते हैं, मैं डबल पैर से ही लगा रही हूँ। ये जो फुट है हमारा, डबल वाला ही है, तो इसमें बिल्कुल इजीली लग रही है ये पाइपिंग। तो मुझे बहुत लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि हमारी पाइपिंग फिनिशिंग से नहीं लगती है। तो देखिए, आपके सामने मैंने ये लगाई है और कितनी अच्छी तरह ये पाइपिंग हमारी निकली है। ये लीजिए, ये पाइपिंग हमारी लग चुकी है। अब हमने इस गले को शर्ट के ऊपर अटैच करना है। एक चीज का ध्यान रखना है आपने, जो शर्ट का सेंटर है, वो आप सबसे पहले कर लें। सेंटर है जो शर्ट का, वो आपने बिल्कुल अच्छी तरह कर लेना है, क्रीज बना लेनी है, क्योंकि ये आपके आगे काम आने वाली है। तो पहले ही कर लो इसको गला अटैच करने से, बाद में फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी हम ऐसा करते हैं, गला बना लेते हैं। गला हमने इसको सीधी तरफ पे पलटी करना है। तो ये गला हमने इस तरह उल्टी तरफ से बनाना शुरू किया। अब मैंने ये जो रखा है, ये उल्टी तरफ रखा है शर्ट की, सीधी तरफ हमारी अंदर इधर है नीचे। तो यहाँ पे सिलाई एक लगा ली। अब सेंटर की सिलाई हमने एक बार लगा ली है। इसको थोड़ा कच्चा कर लिया है, गले को भी खी लेना ये। अब हम गले को सिल लेते हैं। जो गला है हमारा, उसकी जो ये बुकरम है, बिल्कुल इसके हमने साथ साथ सिलना है, बुकरम के ऊपर नहीं सिलना। लीजिए, ये हमने इस तरह से सिलाई लगा दी है। अब हम इसकी अंदर की कटिंग कर देते हैं। कपड़ा सारा अच्छी तरह खोल खोल के इसकी अंदर की कटिंग कर देंगे। अब यहाँ पे हम छोटे छोटे नोचेस लगा देंगे, छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। अब इस गले को हमने सीधी तरफ, ये हमारी सीधी तरफ है, इसे इस तरह फोल्ड करना है सीधी तरफ।
और सीधी तरफ जब मैं फोल्ड कर रही हूँ तो इसके साथ साथ मैं पाइपिंग भी लगा रही हूँ, क्योंकि दो दो सिलाइयाँ हो जाएंगी फिर वो अच्छी नहीं लगेंगी। फोल्ड करते समय ही मैं इसके ऊपर पाइपिंग लगा दूंगी। अगर आपको थोड़ा मुश्किल लगे तो आप बाद में लगा लीजिए एक बार सिलाई लगा कर। इसे हमने इस तरह नीचे से सेट करना है कपड़े को, और ये पट्टी की पाइपिंग हम इसके ऊपर लगाएंगे। ये देखिए ये बिल्कुल इजीली लग जाती है। अब हम इसे इस तरह सेट करते जाएंगे और पाइपिंग इसके ऊपर अटैच करते जाएंगे गले की सिलाई के साथ साथ। ये लीजिए पाइपिंग हमने लगा ली है, और जो ये वाला कपड़ा है हमारा अंदर वाला, अब इस पे हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। इस तरह कट्स लगाने के बाद हम इसे इस तरह सीधा करके इस तरह फोल्ड करेंगे हल्का हल्का सा, और अंदर की तरफ तुरपाई कर देंगे ये वाले कपड़े को, हमने जो ये पाइपिंग वाला यूज़ किया है तो इसे हमने अंदर की तरफ तुरपाई कर देनी है ताकि ये उठा उठा सा फील ना हो जब हम गले को पहने। ये देखिए इस साइड से अभी मैंने कट नहीं लगाए हैं तो ये इस तरह बाहर की तरफ आ रहा है, तो इधर लगा दिए हैं तो ये टिक गया है, तो इसी तरह आपने लगाना है। तो ये डिज़ाइन तो अभी थोड़ा सा बना है, आगे और डिज़ाइन के लिए हम एक बुकरम की पट्टी ले लेंगे छोटी सी। ये मैंने बुकरम की पट्टी ली है चौड़ी। आपने अपने गले से नीचे, ये जो आपका गला आपने बनाया है इसके नीचे जितना भी लंबा है कपड़ा, अब शर्ट की जितनी भी लेंथ है आप उसके अकॉर्डिंग ले लें। जैसे कि हमने इसके अंदर भी इसको डालना है तो हम इसके ऊपर से ले लेते हैं, तो शर्ट की जो लेंथ है उसके अकॉर्डिंग हमने इतनी लंबी ये पट्टी ले लेनी है। तो मैंने अपनी शर्ट के अकॉर्डिंग ये ले ली है, ये पट्टी हमने ली है। देखिए मेरी पट्टी इतनी थोड़ी कम थी, मैंने इसके अंदर जोड़ लगा दिया है, तो आप भी इसी तरह छोटी छोटी पट्टियों को जोड़ के भी एक सीधी पट्टी बना सकते हैं। अब ये पट्टी तो मैंने 1 इंच चौड़ी ली है, और जो ये वाला कपड़ा है ये मैंने 2.5 और 3 इंच के बीच में चौड़ा ले लिया है। तो अब हम इसे पहले इसके ऊपर रखकर इस तरह फोल्ड कर लेंगे, एक सिलाई लगा लेते हैं। ये सिलाई भी आपने रफ लगानी है, बाद में हम इसे खोल देंगे। अगर आपके पास पेस्टिंग वाली बुकरम है तो आप पेस्ट कर सकते हैं, मतलब अब आप जो पट्टी के ऊपर सिलाई लगा रहे हो तो इस साइड से जो ये कपड़ा है ये बिल्कुल ढीला नहीं छोड़ना, आपने इसको बिल्कुल बुकरम के साथ लगाकर इसे सिलना है। इस तरह बिल्कुल अच्छी तरह ऊपर चढ़ जाना चाहिए इसे, ये ना हो कि कपड़ा ढीला रहे, फिर आपको पाइपिंग लगाने में दिक्कत आएगी। इस साइड से भी और इस साइड से, दोनों साइड से हम इसे पहले फोल्ड कर लेते हैं। अब मैंने ये पट्टी बना ली है, अब हम पाइपिंग लेंगे सीधी पट्टी की। ये रेप की नहीं है, ये सीधी पट्टी की पाइपिंग है। अब हम इसके बिल्कुल किनारे किनारे पे पाइपिंग लगा लेंगे। ये देखिए ये पाइपिंग हमने इस तरह लगानी है, और इधर दोनों साइड हमने इसको पाइपिंग लगा के रेडी कर लेना है पहले। अब देखिए जी मैंने पट्टी ये रेडी कर ली है, तो इसकी जो चौड़ाई है मैंने 1 इंच रखी है, आप 1/2 इंच 1/4 इंच जितनी मर्जी रख सकते हैं अपने हिसाब से। अब देखिए मैंने ये सेंटर का निशान बना लिया था प्रेस करके शर्ट के ऊपर, तो अब आएगा ये निशान काम हमारे। अब हमने क्या करना है, गले की ये वाली सिलाई अभी हमने नहीं लगाई थी पहले, तो अब हम पहले इसका सेंटर कर लेंगे वो इस तरह हमने इसका सेंटर करना है पहले पट्टी का, और सेंटर करके हम यहाँ पे एक मार्क बना लेते हैं चौक की हेल्प से। ये धोने के बाद निकल जाएगा निशान, इसकी कोई टेंशन नहीं है। तो ये अब हमने इसका सेंटर बना लेना है पहले। अब सेंटर का निशान लग चुका है, अब हम इस सेंटर के ऊपर रखकर इसको इस गले को इस तरह रखेंगे और एक पिन लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने एक इस तरह पिन लगा दी है जिसकी हेल्प से ये पट्टी अब हमारी इस तरह अटैच हो जाएगी। अब हम बीच बीच में
पूरे पट्टी में, पूरे हिस्से में इसकी शर्ट के में हम इसी तरह पिनअप कर देंगे इसको, पट्टी को। अब हमने सेंटर देखना है दोनों हिस्सों का, नीचे का भी शर्ट का भी सेंटर देखना है, और यहाँ पे हमने ऊपर पट्टी का सेंटर देखना है। इन दोनों हिस्सों को हम इस तरह मिलाएंगे और एक पिन लगा देंगे। इसी तरह अब हम पूरी पट्टी में पिन लगाकर इसको अटैच कर लेते हैं। लगाने को देखिए हम सिलाई भी लगा सकते हैं, बहुत सारी सिलाइयाँ हो जाती हैं रफ की, जो हमें फिर बाद में खोलनी पड़ती हैं। आपकी मर्जी, आप सिलाई लगा लो। अगर पिन नहीं है आपके पास अवेलेबल तो एक सीधी सिलाई यहाँ पे लगा सकते हो आप। मैं थोड़ा इसलिए लगा रही हूँ कि खोलना पड़ेगा, पिन मेरे पास है अभी तो। मैंने पहले भी आपको एक वीडियो में दिखाया था कि इस तरह की मार्केट में एक पिन की डब्बी मिल जाती है, ये वाली, और इसके ऊपर इस तरह का एक ढक्कन होता है, इसे हम ऊपर लगा देते हैं। तो ये डिब्बी हमारी 40 या 50 रुपीज़ की नियर अबाउट मिलती है, तो ये बहुत हेल्पफुल है हमारी स्टिचिंग के काम में। तो आप इस तरह की एक डिब्बी स्टिचिंग मटेरियल की जो शॉप्स होती हैं पूरे एरिया में, कोई ना कोई होती है शॉप, तो वहाँ से आप ले लें, इजीली मिल जाती है आजकल तो। अब हमने इसे पहले सेट कर लेना है अच्छी तरह। लीजिए पट्टी हमारी अब हमने पूरे में अटैच कर लिया है। ये वाला पिन हम अब हटाते हैं ऊपर से, और गले को उठाकर यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करते हैं। बस ये चीज का ध्यान रखें कि सेंटर ना हिले बिल्कुल भी। अब सिलाई लगाना शुरू करेंगे। ये लीजिए एक साइड की सिलाई अब लग चुकी है। अब हम दूसरी साइड की सिलाई भी इसी तरह लगा देते हैं। पिन बीच में से हटाते जाएंगे। ये लीजिए अब हमने पूरे में पट्टी अटैच कर, अब पट्टी हमने लगा दी है गले पे, अब हमने सिलाई लगानी है। तो गले पे सिलाई लगाने से पहले मैंने इस तरह के थोड़े से इस तरह डिजाइन बनाया है, एक 2x2 का एक मैंने बॉक्स इस तरह कट कर लिया है, पट्टी कट कर ली, तो उससे मैंने ये बनाया है। तो मैं आपको अभी एक बना के दिखाती हूँ। अब ये बनाने के लिए मैंने इसे 2x2 इंच की इस तरह की एक पट्टी कट कर ली है। पहले इसे देखिए इस तरह ट्रायंगल में फोल्ड कर लेंगे, फिर डबल फोल्ड करेंगे, दो बार फोल्ड कर लिया। अब हम इसे यहाँ से आधा इंच कपड़ा छोड़ के, आधा इंच कपड़ा छोड़ेंगे यहाँ पे ऊपर की तरफ, इस तरह फोल्ड कर लेंगे पहले, फिर हम इधर से भी इस तरह फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमारा एक इस तरह का डिज़ाइन बन जाएगा, तो जो हमने बनाना है ये देखिए। अब हम मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ। एक बार ये कपड़ा लिया, इसे हम पहले ट्रायंगल में फोल्ड कर लेते हैं, इस तरह ट्रायंगल में फोल्ड किया, फिर हम इसको दोबारा इस तरह फोल्ड कर लेंगे, फिर यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा छोड़ के ऊपर की तरफ फोल्ड, फिर यहाँ से इस तरह फोल्ड। अब ये इस तरह की एक डिज़ाइन बन जाता है। तो बनाने के बाद हमने यहाँ पे एक सिलाई लगा लेनी है ताकि ये सेट रहे। इस तरह सेट करने के बाद हमने जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो कट कर दिया, और इस तरह के डिज़ाइन जो बने हैं वो हमने रख लिए। चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करेंगे। इसके ऊपर हमने अब सिलाई लगानी है गले के ऊपर, तो यहीं पे अब हम ये वाला डिज़ाइन बना लेंगे। अगर ये आप नहीं भी लगाना चाहते हो तो सिंपल से सिलाई लगा लो, वो भी चलेगी। बस मैंने थोड़ी सी इसकी क्रिएटिविटी करनी है।
ऊपर से सिलाई हमने लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद हम थोड़ा सा ऊपर से आधा पौना इंच कपड़ा छोड़ देंगे ताकि जो ऊपर का तीरा है वो हमारा यहाँ पे जुड़ेगा। अब हमने इस तरह इसको रखा और सिला। अब थोड़ा सा गैप रखेंगे एक इंच के करीब का, यहाँ पे सिल दिया। अब एक एक इंच के करीब का गैप हम छोड़ देंगे और इस लूप्स को जो हमने ये पट्टियाँ सी बनाई हैं इसको लगा देंगे। तो देखिएगा जब ये गला बनेगा तो बहुत ही मस्त सा लगता है देखने में। ये देखिए ये बना हुआ कितना अच्छा लग रहा है लूप्स या ये लगी हुई पट्टियाँ। तो इसी तरह हमने पूरे गले में ये लगानी है। बस जब आप सिलाई लगा रहे हो तो गले की फिनिशिंग का ध्यान रखो, कहीं से भी कपड़ा अंदर की तरफ मुड़े ना। ये जो कपड़ा है नीचे इस तरह इसको आपने, अब पूरे गले में हमने सेम डिस्टेंस पे ये लूप्स लगा लेने हैं। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये। अब ये देखिए गला हमारा बन गया है, नीचे की पट्टी बन गई है, बहुत ही बढ़िया ये गला लग रहा है देखने में। और अब हम क्या करते हैं, मैंने बटन बनाए हुए हैं, अब हम यहाँ पे जोड़े में बटन लगाएंगे। बटन हमने थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे लगाने हैं, 3-3 इंच के डिस्टेंस पे, लेकिन जोड़े में लगाने हैं, दो दो बटन्स लगाने हैं, मतलब दो का पेयर हम लगाएंगे तो इसकी ग्रेस और भी अच्छी आएगी पेयर लगाने से। इस तरह हम थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे पेयर वाइज लगा लेंगे। कई लोग यहाँ पे भी बटन यूज़ करते हैं, मैं आपको लगा कर दिखा देती हूँ। आपको मैं रिकमेंड नहीं कर रही हूँ कि आप यहाँ पे लगाओ, अगर आपका दिल हो तो आप लगा सकते हो इस तरह। ये देखिए एक थोड़ा सेंटर में लगा लीजिए इस तरह, अगर थोड़ा थोड़ा यहाँ पे हट के लगा सकते हो। मैं पहले मेरा मन नहीं था, अभी मैंने रख के देखा है तो बहुत अच्छा लग रहा है ये, तो चलो लगा ही लेते हैं। अभी इस तरह सारे बटन हम अटैच कर लेंगे और बाजू के आगे पाइपिंग लगाएंगे, शर्ट की जो साइड है हमारी स्लिट्स की उसके आगे पाइपिंग लगाएंगे। उसके बाद ये गला हमारा मतलब कुर्ता हमारा पूरा बनकर रेडी हो जाएगा और बहुत ही इजी ये डिज़ाइन है जो आप आसानी से बना सकते हो। बाकी की जो नॉर्मल स्टिचिंग होगी जैसे हम नॉर्मल में करते हैं, तो चलिए स्टिचिंग करने के बाद मैं आपको रेडी कुर्ता दिखा दूंगी एक बार। ये देखिए कुर्ता मैंने रेडी कर दिया है और इसका डिज़ाइन बनकर बहुत ही उठा है और बहुत प्यारा लग रहा है ये बनकर। मैं आपको पूरा कुर्ता दिखाती हूँ। ये देखिए आगे की पट्टी में मैंने बटन लगा दिए, मैंने हिप तक बटन लगाए हैं, आप अगर चाहते हो तो नीचे भी लगा सकते हो। इसकी स्टिचिंग बहुत ही अच्छी हुई है और डिज़ाइन बनकर बहुत प्यारा लग रहा है। अगर आपको इसकी कटिंग स्टिचिंग पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे मिलेंगे हम किसी नए डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।